भाई, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक खेलिए थे, फुल मज़े में होंगे। और वीडियो बहुत देर से आ रही है, उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि भाई यूनिवर्सिटी जाना होता है और घर के भी बहुत काम होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत मसला हो रहा है उसका। लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं वीडियो जो है ना वो रोज़ बना सकूँ, लेकिन टाइम नहीं होता। सारा हफ्ता यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स और कोई भी ख़त्म होते। खैर, आज हफ्ता है और छुट्टी है, घर के काम ख़त्म करने के बाद तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए छोटी सी। और कुछ छोटे मोटे काम भी थे गाड़ी के, वो भी करेंगे और आपको बताएंगे कि थोड़ा सा इंटीरियर पे जो मॉडिफिकेशन थी उसकी वीडियो नहीं बन सकी कलर की, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना कोई ख्याल नहीं आया वीडियो बनाने का। खैर, मैंने सोचा आप लोग कि अब आपको बताते हैं कि इसकी जो इंटीरियर का काम है वो किस तरह हुआ है और किसने किया है और उस पर क्या जो है ना वो आपके जो है ना वो चार्जेज आए थे। तो शुरू करते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड कार। गाड़ी जो है हमने पीछे गैराज से गली से ला के लगा ली है और इस टाइम जी बहुत गंदी गाड़ी है, रिम भी गंदे हैं, बोनट भी बहुत गंदा हो रहा है। उसकी वजह यह है जी बारिशों का सीज़न चल रहा है, दो तीन दिन हो गए हैं, बहुत बारिशें हो रही हैं। खैर, हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो पहले हम इसका जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं जी, ये ग्लॉस ब्लैक कलर में है और ये ग्लॉस वाइट कलर में है। ये ग्लॉस ब्लैक कलर में पेंट है सारा, फिनिश जो है ना वो बड़ा स्मूथ पेंट हुआ हुआ है, इसमें किसी किस्म का ना वो नहीं है कहीं पे कुछ हुआ हुआ है, ये आपको बड़ा साफ़ सुथरा सा पेंट हुआ है। और ये जो है ना दरवाज़ों पे, तो अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का मैं आपको बताता हूँ। तो कॉम्बिनेशन मैंने वैसे ही एक पेशावर की एक वीडियो देखी थी K70 की, और उसमें ना ऐसा कलर हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपनी मेहरान को भी यही किया जाए। खैर, जब डेंटिंग के लिए गाड़ी जानी थी तो मैंने जो है ना वो इसका डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड कंसोल और ये कुछ एक दो चीज़ें हैं ये घर में ना खुद ही उतार के रख ली थी, और बड़ा इजी है उतारना इसको। तो इसको उतारने का ये सीन है कि आपका जो ये वाला है इसका जैक खोल लें और बम्पर और जो यहाँ पे जी इसके डैशबोर्ड की वायरिंग का जैक होता है एक, ये और एक और होगा, कुछ तीन चार और जैक होते हैं यहाँ पे, एक इस चीज़ का होता है और इसकी तार होगी, इसकी तार होगी, ये कुछ तारें आप खोल लें तो आपका डैशबोर्ड ईजीली जो है ना उतर जाता है, कुछ ना मुश्किल नहीं है। ये तीन नट आपको खोलने पड़ते हैं ऊपर से और दो नट यहाँ नीचे होते हैं, तो आपका डैशबोर्ड उतर जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये इसकी वीडियो इसलिए नहीं बना सका मैं क्योंकि जी ये उस वक्त मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था यूट्यूब का, तो इसलिए फिर मैं आज बना रहा हूँ। मैंने कहा चलें जो किया है आप भी ये ट्राई करके देखें, ये वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है रात में। और यहाँ पर जी एक आपको एम्बियंट की लाइट भी नज़र आ रही होगी, ये थ्रू सारे डैशबोर्ड में लगी हुई है ऐसे यहाँ से, और ये ऊपर से जाती भी ऐसे पहली तरफ से और वहाँ नीचे निकलती है जाकर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं ज़रा आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ थोड़ी, पहले सबसे पहले दरवाजे से शुरू करते हैं। दरवाजे पे आपको ये नज़र आएगा, ये इसका डोर हैंडल है, ये ग्लॉस ब्लैक कलर है, यहाँ से थोड़ा सा उतर गया है हाथ लग लग के, खैर कोई बात नहीं, इसको दोबारा करेंगे। और यहाँ पर आपको एक वाइट लाइन जा रही है नज़र, जो है ना रात में भी अच्छी लगती है अभी। उसके बाद डोर हैंडल है हमारे पास, डोर हैंडल्स जो मैं हमारे पास है ये लगा हुआ है इधर, इसको डोर ओपनर है, और ये भी ब्लैक कलर में है, ये ग्लॉस ब्लैक में है, ये मैट ब्लैक में है। इसको वाइट किया था लेकिन ये फिर हमने ना चेंज कर दिया क्योंकि वाइट इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि वो ना आपसे हैंडल नहीं होते। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पे, आ जाते हैं इस साइड पर, जो ये ग्लॉस ब्लैक कलर में पेंट है और ये भी ग्लॉस ब्लैक में है, ये वाइट में है। और उसके बाद सेंट्रल कंसोल पर आ जाते हैं, सेंट्रल कंसोल पर आपको वोल्ट मीटर नज़र आ रहा है, ये एम्पलीफायर चल रहा है, इस वजह से ये आपको 10 या 9 आ रहे हैं, नहीं तो ये आपको तकरीबन 12 आते हैं। और यहाँ पे जी ये लगा हुआ है टेम्परेचर मीटर, लगा हुआ है इंडियन टेम्परेचर, इस टाइम 33 है। चलें थोड़ा सा इस पर अभी आपको बताता चलूँ कि जो इंडियन टेम्परेचर होता है ये बेसिकली जो आपका जो फ़ैन होता है ना वो अराउंड 90 पे जाके ऑन होता है, और उससे नीचे नीचे जो है ना वो आप समझें बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइम इंजन बंद है, सुबह से गाड़ी बंद खड़ी है, तो ये जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है ना वही बता रहा है 33 जो बाहर है, और ये 10.9 जी बहुत थोड़े हैं, इसकी वजह ये है जी एम्पलीफायर ऑन है, और एम्पलीफायर ऑन होने की वजह से ये आपको एक आवाज़ में वीडियो के अंदर जो है वो टी की आवाज़ नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली एम्पलीफायर की ना अर्थिंग होने वाली है, इस वजह से ये आ रही है और ये ग्राउंड नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे अभी आपको ये नज़र आता है यहाँ से टूटा हुआ है, खैर इसको ठीक करना है, लेकिन अब हम पता क्या करेंगे, अब हमने इस सारे एरिया को कट करके ना यहाँ पे जैसा सेंट्रल के कंसोल पूरा बनाएंगे, पुश स्टार्ट भी लगाएंगे इधर। उसके बाद आपको इधर ले चलते हैं, इधर हमारे पास इसका मीटर बॉक्स है, मीटर बॉक्स पे ये सारा जो है वाइट है, इसको मैं उतार के दिखाता हूँ उसको, ये देखें तो
ये इस तरह वाइट में कलर हुआ हुआ है और ये ग्लॉस ब्लैक में, यानी कि पूरा जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है ना वो ग्लॉस ब्लैक और ग्लॉस वाइट का है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको और बोनट ओपनर पे मिलेगा आपको और वहाँ परली साइड पे मिलेगा, उस तरह मैं आपको बाद में चल के दिखाता हूँ। और खैर गत्तों की बात पे आ जाते हैं, तो यार ये जो है ना ये ग्रे कलर में है, ये भी ग्रे कलर में है। तो इसका अभी जो मैंने सोचा है ना, फिलहाल आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताएं कि हमने ना ये जो है ना वो ग्लॉस ब्लैक में कलर पेंट कर लेना है या ब्लैक के अंदर, और ये जो इसके दरमियान में लाइन है ना ये सारी हमने ना वाइट करनी है। मेरा अभी यही प्लान है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। और ये हमने पेंट करना है, ये ब्लैक में मिले नहीं, ये ब्लैक में लग जाते हैं। जैसे ये जो ये है ना, ये जब मैं लेने गया था ना वाइट के बाद, तो ये मैं ब्लैक में मिल गए थे, तो काम ही हो गया था। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ हुआ। स्टेयरिंग बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ही मनहूस लग रहा है, लगा हुआ इस तरह, ये चेंज करना है। तो ये भी हमने ना सोचा है कि स्टेयरिंग भी ना वाइट में ही होगा, जो सेंटर है इससे अब उसका वाइट में होगा, और ये जो राउंड है ये होगा, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर ना मिला तो फिर ऑब्वियसली हम कोई भी स्टेयरिंग लेके उस पर जो है ना वो बना देंगे। तो परली तरफ आ जाते हैं गाड़ी के बैक से, हम आपको दिखाऊँ तो बैक में कुछ भी नहीं है, वही सेम पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है, वही जो है परली तरफ हो रहा है। खैर अब गाड़ी की इस तरफ आते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये पेंट है वैसे, ये यहाँ से टूटा हुआ है इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। RPM लगा हुआ है, ये मैंने चौधरी ऑटो स्टोर लाहौर से लिया था। और आपके पास यहाँ पे ये लगे हुए हैं और ये पेंट होने जा रहा है, ये हम अभी इस वीडियो में इसको पेंट करेंगे और आपको दिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये वही सारा पैटर्न जो है ना सेम फॉलो हो रहा है। तो ये RPM गेयर है, ये इसमें भी लाइट्स चलती हैं, इट्स लुकिंग गुड एट नाइट। और यहाँ पे आपको सेंट्रली कंट्रोल मिल जाता है इसका, ये वाला कंट्रोल लगा हुआ है, वो टेम्परेचर और वही सारी पुरानी चीज़ें। तो चलते हैं जी, अब हम इसको ओपन करते हैं। हमने ये वाली चीज़ निकाल ली है गाड़ी की और इसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट करना है। और मेरे पास एक ग्रिल भी आई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने फ्रंट पे लगानी है, उसको भी ग्लॉस ब्लैक में पेंट करना है। तो काम शुरू करते हैं, चलिए। इसको खोलने के लिए इस चीज़ को जो चीज़ें चाहिए उसके अंदर चाहिए थी हमें एक प्लास, जो अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो एक चार मुंह वाला पेंचकस और एक टेप अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो ये सारा काम आपका ये पेंचकस ही कर देगा, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो इसको जो खोलना है वो ऐसे है कि जो हमने ना सिर्फ इसका एक जैक होगा नीचे, वो उतार लेना है। वो जैक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैं फिर कंटिन्यूसली काम कर सकूँ। तो अगर आप देख सकें तो ये जो जैक है ना इसका, ये वाला, ये आई थिंक है इसका, बल्कि इसका नहीं, ये अगर आप देख सकें तो आई थिंक यही जैक जो है ना, ये जैक है या इसी तरह का एक और जैक है, वो भी ये हम खोलेंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैक है आई थिंक, ये खोल लेंगे तो ये जो है ना आपका ये हिस्सा लैदर हो जाएगा जो आपको मेन लैदर करना है, और ऊपर से ना हम इसको खोल लेंगे तो ये आपकी चीज़ ना लैदर हो जाएगी। सबसे पहले जी हमें इसको खोलने के लिए जो है ना वो स्टेयरिंग खोलना पड़ेगा, जो मुझे लगता है ताकि काम थोड़ा ईजी हो जाए। तो इसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा सबसे पहले। इसकी निचली साइड पे दो नट होते हैं, एक ये लगा हुआ है और एक परली तरफ होगा। इसको खोलने के लिए इसके यहाँ पे एक नट होगा, यहाँ पे होगा, और परली साइड पे ऐसे चार नट इसके होंगे, ये ओपन हो जाएगा। और इसको खोलने के लिए एक नट ये है, दो परली, दो जो हैं वो यहाँ पे ऊपरली साइड पे ना ये लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये दो खोलेंगे तो आपका ये जो ये वाला हिस्सा है ना ये भी खुल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे खोल के कि अब इनके साथ क्या करना है। हमने खोली है और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो है वो हमने निचला हिस्सा इसका खोल लिया है। और इसको खोलने के लिए हमें इसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें जो है ना सिर्फ ये जो है ये हमने उतारा है मीटर बॉक्स का कवर, और ये जो है ये इसका यहाँ से फिर हमने इसको नीचे निकाल लिया। और ये जो जैक वो मैंने आपको दिखाया था ये वही जैक था जो मैं आपको बता रहा था, उसको हमने अलहदा कर लिया तो ये अलहदा हो गया। तो बेसिकली हुआ ये है कि मैं अभी इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से पहले भी नहीं खुला था, अब भी नहीं खुला था। तो इसके ऊपर हम ना टेप या कोई शॉपर चढ़ा देंगे और बाकी जो है ना वो हम बिना पेंट कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपने गैराज में, उधर मैं आपको ग्रिल भी दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पेंट कैसे करना है। तो बॉयज़ हम अपने गैराज में आ गए हैं और
यहाँ मैंने डैशबोर्ड पेंट किया था और गाड़ी की जितनी भी पुलीज हैं वो इधर पेंट की थी, और गाड़ी का जो टैपर कवर होता है मैंने यहाँ दीवार पे रख के पेंट किया था। और जी इसके बाद इज्तमाही गालियों के साथ हम पर हमला आवर हुई थी। और ये देखे जी यहाँ पे डैशबोर्ड का जितना छोटा छोटा सामान था ये जी सारा यहाँ पे पेंट हुआ हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। खैर कमिंग बैक टू द वर्क, और ये ग्रिल है जी जो मैंने मंगवाई थी चाह सुल्तान रावलपिंडी से, लेकिन जो दिखाया गया था वो जी बिल्कुल भी नहीं निकला। इसकी तो बहुत ज़बरदस्त शाइन थी जो दरमियान वाली है लग रहा है, बट ये क्रोम नहीं है, ये भी स्प्रे हुआ हुआ है। बहुत दुख हो रहा है मुझे 2000 ज़ाया करने का। और जी मुझे बताया गया था कि ये ब्लैक प्लास्टिक में नहीं होगी, ओरिजिनल क्रोम में होगी, जबकि ये ब्लैक प्लास्टिक ही निकला है। तो अब ये लगाया था तो ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये सिल्वरिश ही लुक दे रहा है। तो हमने ना अब इसको ग्लॉस ब्लैक कलर में पेंट करना है और फिर लगा के देखेंगे कैसी लगती है। खैर ये मैंने काफ़ी हद तक यहाँ से ना रेगमाल मार के रिमूव कर दिया, तो अब मैं बताता हूँ आपको पेंट करने के लिए जो आपको रेगमाल कौन सा चाहिए होता है। तो जी ये रेगमाल है 320 ग्रिड का, ये हम रेगमाल यूज़ करते हैं वाटर के साथ जो है ना हल्का हल्का पानी स्प्रे करके ना हमने इसकी रगड़ाई कर लेनी है सारे की अच्छे तरीके से, कि इसका जो पुराना वाला ये कलर है ना ये उतर जाए और नया वाला प्रॉपरली ऊपर बैठ जाए। इवन पुराने वाले जो सरफेस है ना उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाए और वो रफनेस जो है ना हल्की हल्की रबिंग सा रफनेस ही हो, उससे होगा ये कि ना पेंट से ही पकड़ेगा उसको। जहाँ पे पॉलिश होगी ना वहाँ पे आप देखेंगे जब पेंट का स्प्रे होगा ना तो वहाँ पे ऐसे ना दायरा सा बन जाएगा, वहाँ से पेंट नहीं होगा। और ये वो चीज़ है जो हम उतार के लिए हैं, ये यहाँ से ये स्टिल ये नहीं खुला मेरे से। खैर कोई बात नहीं, अब हम काम शुरू करते हैं। और हमें एक रेगमाल की ज़रूरत है और हमारे पास एक जो है वो ब्लैक स्प्रे पेंट है मुबा का। वादों महंगाई हो गई है, पहले मैं लेके आया था तो 280 रुपये का कैन मिला था, अब लेके आया हूँ 320 रुपये का मिला है। खैर ये एक से ज़्यादा ही लगाएंगे, एक से काम नहीं बनेगा क्योंकि बिकॉज दो तीन कोट करें ताकि इसके ऊपर तो दो तीन होने चाहिए क्योंकि ये बाहर लगनी है। इसके ऊपर बेशक आप एक ही कर दें, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर किसी का हाथ लगना नहीं होता, एक बटन बस यहाँ से आपके खींचना होता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है ना वो सर घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ इसके ऊपर ज़्यादा करें क्योंकि इसने गाड़ी के आगे लगना है, हवा लगेगी बार बार धुलेगी साफ़ होगी, तो इसके ऊपर जो है ना बकायदा प्लास्टिक प्राइमर का यूज़ करके वो आप किसी भी पेंट जो है ना ऑटो पेंट पे जाएं और उसे कहें 50 रुपये का ना प्लास्टिक प्राइमर दे दे, वो आपको छोटी सी डब्बी दे देगा। खैर मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी ये लगानी नहीं है, डस्टबिन पेंट करनी है और उसके बाद ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो अब काम शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि पेंट के बाद इनकी लुक कैसे आती है। तो ऑलराइट बॉयज, तो यहाँ पे हम कल जो इसका रेगमाल से हम इसकी जो है ना वो रगड़ाई सगड़ाई और जिसे आप कहते हैं बेस बना चुके हैं। ये आप देखें इसको, ये बिल्कुल आना है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वो नहीं है, चिकनाई सी नहीं है, ये एक रफ सा हो गया। अब इसके ऊपर पेंट प्रॉपर चढ़ जाएगा ऊपर, और फिर हम यहाँ पे ये चीज़ है इसको भी हमने वॉश करना है क्योंकि ये हमने गीला रेगमाल किया था। और ये ग्रिल आ गई है, ग्रिल को भी आप देख लें, ये पेंट हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, इसके इधर से भी, इसकी इस तरफ से भी, क्योंकि हम यहाँ ही हमने पेंट करना है, दरमियान में नहीं करना, इसके इधर से भी और इसकी पतली साइड से भी। अब इसको हम जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ करते हैं, इसको भी साफ़ करते हैं कपड़े से, इसको भी साफ़ करते हैं, फिर इसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए, और उसके बाद पेंट वर्क करते हैं इनके ऊपर। ऑलराइट बॉयज़, जो शाम हो गई है, कलर सूख चुका है, ये पार्ट्स पड़े हैं और इसकी मैं ज़रा आपको ग्रिल की फिनिश चेक कराता हूँ। ये कैमरे में तो शायद इतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त आई है,
ये चेक करें यहाँ मेरा ये ग्रिल कलर हो के कैसी ज़बरदस्त निकली है। और अभी इसको फिट करते हैं और फिर मैं आपको इनके फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ऑलराइट बॉयज, रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और ग्रिल उस टाइम लगा लेनी थी, मेरे कोई काम आ गया और फिर मैं उधर चला गया था। अभी आया हूँ तो आके मैंने ग्रिल फिट की और माशाल्लाह जी लुक आपके सामने है ग्रिल की, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अंदर का इंटीरियर का काम था वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जो कलर करके वो हमने तो वापस फिट कर दिया था। और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जितना भी काम था इंटीरियर का वो हम कर चुके थे। इसकी ये फिट की थी, ये हमने फिट कर दिया था यहाँ पे, जो इसका बॉक्स लगा हुआ था लाइट कम है इसलिए शायद अभी पता नहीं चल रहा, बट जो ये वाला था ये भी लग चुका है माशाल्लाह। ये अब जो एक चीज़ तंग कर रही है वो सिर्फ स्टेयरिंग का कलर है, वो ग्रे कलर है, बाकी और ये दरवाज़ों के गत्ते हैं। इंशाल्लाह जी अब इनका कुछ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये अब इसकी आपको कुछ फाइनल शॉट्स दिखाते हैं और उसके बाद जी एक और सजेशन आप लोगों से चाहिए, वो ये कि इसके जो रिम्स हैं ये आप लोगों ने देखे होंगे, अगर मैं आपको इधर वाले दिखाता हूँ तो ये रही, ये जो रिम्स हैं इसके ये यार अभी रात को तो पता नहीं चल रहा है लेकिन मैं आपको वैसे बताता चलूँ, ये जो हमने कलर करने हैं और कलर के लिए जो है ना कड़े नहीं लगाने हैं, उसके लिए जी मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे आपको दूंगा, उस पर मुझे अगर आपके पास कोई अच्छा कलर ऑप्शन है तो मुझे बताएं। वैसे जो मैंने एक चूज़ किया है वो ये है कि ये जो रिम है हम इसकी ये जो ये जगह है या इसको ग्लॉस ब्लैक कलर कर दें और इसका ये जो आउटर रिंग है यहाँ तक इसको जो है ना हम ब्रॉन्ज कलर कर दें। तो दो कॉम्बिनेशन मेरे जहन में आए हैं, एक ये और एक ही कॉम्बिनेशन है कि जी इस पूरे जो सेंटर वाला है इसको ब्रॉन्ज कलर कर दें और जबकि जो ये वाला हिस्सा है इसको जो है ना हम ब्लैक कलर कर दें। अब मैं दो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मैं फिर सब लोगों से पूछूंगा कि जी कौन सा बेहतर है। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने मेहरान रखी हुई और वो कहते हैं ये फारेगा किसी काम की गाड़ी नहीं है। तो मैं इस चैनल पे आपको यही बताऊंगा कि इसके साथ आप इसकी ऐसे लुक निकाल सकते हैं कि ये आपकी ना बाकी गाड़ियों को चपेक रहेगी। तो फिलहाल ये मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फिगर दुनिया के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।